व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24x7 जॉब इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर और कैंटनमेंट पटना बिहार। ठीक है, एक बार देख सकते हैं आपका रिक्रूटमेंट डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय जो कार्य किया है रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर डिफेंस के अंदर। ठीक है, पहले तो देख सकते हैं मैंने दे दिया आपको, पहले आपको जो पोस्ट है आपका बामेन पोस्ट है। उसके बाद आप सिलेक्शन होने के बाद आपको 2 साल तक प्रोफेशनल क्लियर रखा जाएगा, उसके बाद ही आपको पामेन पोस्ट दिया जाएगा। तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जारी हुआ लोकल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट आपको जारी हुआ है। ठीक है, पहले पोस्ट आप देख सकते हैं ऐसा जो कुक है, थोड़ा पास 4 वैकेंसी है। ठीक है, पहला जो 2 है आर्मी की कैटेगरी लिए, 1 SC के लिए और दूसरा है OBC के लिए। एज लिख सिविल एज देख सकते हो 18 से 25 साल का अंदर आपको अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट उनको 3 साल का छूट, जो SC ST उनको 5 साल का छूट मिला है। क्वालिफिकेशन में उनको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा और आपको यहाँ पर इंडियन कुकिंग नॉलेज में प्रोफेशनल को आपको रखना होगा। उसके बाद है आपका जो वॉशरमैन, टोटल यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट सिर्फ OBC के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो, उनको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको जो मास्ट भी मेरिट की जो सिविल इंटरव्यू उनको दी सबको वॉश करना होगा फुल्ली, लोगों ने दे दिया क्लोज। उसके बाद जो 12 पोस्ट आपको 3 वैकेंसी है, 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 AC कैटेगरी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा, आपको 12 ट्रेड में आपको नॉलेज होना होगा। और दे दिया पहले तो आपको अब डिजरेबल देख सकते आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस दे दूंगा। कोई कैंडिडेट से यहाँ पर देख सकते जो 1 साल का दे दिया, फिर उन लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो ज़्यादा नहीं, एक बार डिजरेबल दे दिया आपका होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, तो आपका यहाँ पर इसेंशियल मेन है। उसके बाद आपको 3 वैकेंसी जारी किया है, यहाँ पर भी आपको मैट्रिकुलेशन प्रॉपर होगा और डिजरेबल दे सकते हैं। उसके बाद आता है वो कारपेंटर एवर आपको 1 ही वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग दे सकते हैं, उसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होना होगा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते स्कूल का IT और वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रखना होगा कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार आपको लास्ट डेट का शॉर्ट फ्यूचर डी तो एप्लीकेशन में कुछ भी डाउट हो तो आप indianarmy.nic वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड शायद हुआ तो इस वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट सबमिशन तो आपको 13 महीने से पहले यहाँ पर अप्लाई करना होगा, आपको ऑफलाइन में होगा या ऑफलाइन में नहीं होगा, आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट में आपको अप्लाई करना होगा। या आपके एडमिशन नंबर है मैं शायद सबको बताऊँगा। खास तौर पर जो आपको एड्रेस होगा बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंटनमेंट पटना बिहार पिन कोड, ये ध्यान से रखना होगा। आपको गलती होगा आपका पोस्ट नहीं जाएगा, आपका फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, PDF और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जॉब के लिए हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे इस चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप जरूर देखिएगा। चल रहा है मैं आप चलता हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।